हाय, तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि कॉस्ट फंक्शन को आके कैसे डिजाइन किया था ऑथर्स ऑफ दिस पेपर ने, राइट। तो अब देखिए ये दो की इक्वेशंस निकल के आई थी जो कि सेक्शन टू में आपको इस पेपर में मिल जाएंगी। नाउ इन इक्वेशंस को हम पहले देख चुके हैं पेपर में, आप देखेंगे तो देखिए ये है मैक्सिमाइज एंड देन पॉजिटिव साइन के साथ, तो विच इज सेम एज मिनिमाइज बट नेगेटिव साइन के साथ। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, इसमें हम पहली लिमिटेशन की बात करते हैं इस कॉस्ट फंक्शन की जो हमने लास्ट वीडियोस में समझी है। आप ये देखेंगे, देखिए एक बार इन समीशन को छोड़िए, बस आप सिर्फ इस टर्म पे ध्यान दीजिए। तो हमने बात की थी कि हमारे कॉर्पस में वर्ड्स W1 से लेके W T तक हो सकता है, और कैपिटल टी जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस भी हो सकता है, इनफैक्ट होता है, राइट। तो ऐसे में देखिए अगर आप चार की भी विंडो साइज रखते हैं या दो की भी विंडो साइज रखते हैं जिसमें आपके पास हर एक सेंटर वर्ड के लिए चार कॉन्टेक्स्ट वर्ड मिलेंगे, तो देखिए अगर आपके टोटल वर्ड्स टी हैं तो आपके पास जो ट्रेनिंग पेयर्स बन रहे हैं वो है 400 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा है। तो यानी कि आप ये वाली जो क्वांटिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट जस्ट ये जो रेड बॉक्स के अंदर है, ये वाली चीज आप कंप्यूट करेंगे 400 बिलियन बार। हम आपको बता दें 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो ये आपके हो गया 40,000 करोड़ बार आप इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब उस 40,000 करोड़ में देखिए ये क्वांटिटी तो सिंपल है भाई, अगर आपके वर्ड वेक्टर की डायमेंशन है 300, तो ये तो हो जाएगा एक क्रॉस 300 का वेक्टर, दूसरा ये जो है ये हो जाएगा 300 क्रॉस एक का वेक्टर, तो आपको मल्टीप्लाई होके ये एक नंबर दे देगा, राइट। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है, नीचे आप देखिए आप सम कर रहे हैं पूरी वोकैबुलरी पे, राइट, पूरी वोकैबुलरी पे आप सम कर रहे हैं, क्योंकि ये W आपके जेनेरिक वर्ड है। देखिए आपकी क्या होगा, वोकैबुलरी साइज अगर हमारी 10,000 थी तो आपने सारे 10,000 के लिए एक आउटपुट दिया था प्रोबेबिलिटी का, राइट। इन पर्टिकुलर वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड के लिए अपन उसको मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन नॉन जीरो आउटपुट आप बाकी सबके लिए, या फिर जीरो भी सही, लेकिन आप कुछ आउटपुट आप बाकी सबके लिए देंगे। फिर आप इस पूरे का सम करेंगे, देखिए ये वाला जो कंप्यूटेशन है ये बहुत ह्यूज होने वाला है। आपकी वोकैबुलरी साइज देखिए आमतौर पे अगर आप ठीक ठाक डेटा सेट लेते हैं तो 50K से 200K तक होती है, नहीं? और 500K यानी कि 500,000 की साइज होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े डेटा सेट में आपको इतने वर्ड्स मिल जाते हैं। तो यानी कि आप देखिए ये जो 400 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ बार आप ये प्रोबेबिलिटी तो कंप्यूट करेंगे ही करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर आप ये जो सम करेंगे ना, ये सम होगा इस नंबर पे, या तो 50,000 या 2,00,000 या 500,000 पे। तो आप मान लीजिए हम 1,00,000 बोल देते हैं, तो आप 1,00,000 बार सम करेंगे एक टर्म के लिए, तो आप टोटल कितना सम करेंगे, 40,000 करोड़ बार आप 1,00,000 क्वांटिटीज को सम करेंगे। पॉज कीजिए और सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। ये जो ऑपरेशन है ये आपके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपके कंप्यूटर पे तमीज से सॉल्व नहीं होने देगा, आप इसको ट्रेन नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस कॉस्ट फंक्शन की, इवन दो ये अच्छा है, काम करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ऑथर्स ने भी इसमें कहा है कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग डेटा सेट इंक्रीज होता है तो ये वाला जो कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है ये इनफिजिबल हो जाता है, फिर आप इसको नहीं कर सकते। छोटे हैं आपके पास डेटा सेट, लाइक 10,000 का है या फिर इसमें 100 बिलियन ना होकर 100 मिलियन है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा सेट बड़ा होगा ये वाला कंप्यूटेशन जो है इनफिजिबल होता चला जाएगा। एक और चीज अब देखिए, माउस जब हमारे सेंटर वर्ड है और हमारे विंडो अगर दो की है तो देखिए ये
जो है कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स है। तो देखिए हम एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग द एट एंड कॉट भाई, इन ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड हैं। तो एक्चुअल में हम ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों वर्ड गिवन माउस, लेकिन हम इसको कैसे लिख दे रहे हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग गिवन माउस। देखिए ये वर्ड आउटपुट है, ये वर्ड इनपुट है, राइट, मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन माउस एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये जो ट्रांजिशन है यहां से यहां तक का, ये सिंपल नहीं है, ये ट्रिवियल नहीं है, इसमें हमने नाइव बेस इंडिपेंडेंस अजम्पशन लिया है। हमने बेसिकली ये क्या कह दिया कि देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी है कंप्यूट करने के लिए ये वाली, तो हम हमारी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को हम इन चार प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लिख देंगे। और ये चार प्रोबेबिलिटीज देखिए क्या है, ये है कि जब कॉन्टेक्स्ट वर्ड ईटिंग है, ये वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं, जब कॉन्टेक्स्ट वर्ड ईटिंग है और सेंटर वर्ड माउस है, तो ये चीज अब किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है। हम इस बात के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि भाई बगल में द भी था, ईट भी था, कॉट भी था, नहीं। ईटिंग अगर है माउस के सेंटर वर्ड में, ईटिंग अगर एज ए कॉन्टेक्स्ट आ रहा है सेंटर वर्ड माउस में, तो वो इंडिपेंडेंट है उसके बाकी सब नेबर से। सिमिलरली द आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है उसके बाकी सब नेबर से, ईट आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है उसके बाकी सब नेबर से, कॉट आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है बाकी सब नेबर से। यानी कि रिलेशनशिप आपके सेंटर वर्ड एंड वन कॉन्टेक्स्ट वर्ड, बस इन्हीं में है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम इस मॉडल को नहीं कर रहे हैं। आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडल कैसे करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को कैसे कंप्यूट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो ऑथर्स ने ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशन लिया एंड इसी पेपर में उन्होंने शो किया है कि ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशन भी जो है अच्छे से काम करता है। ये वाली देखिए जो हमारी टर्म आ रही थी पाई वाली, जिसमें हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, ये सारे हमारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स हैं, ये हम इस कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म आ रही है यहां से यहां तक, ये बेसिकली इस अजम्पशन से आ रही है। और फॉर्मली अगर हम इसको लिखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P of W T minus J W T minus J plus 1 all the way until W T minus 1 W T plus 1 W T plus J। नोट कीजिए हमने यहां पे T को हटा दिया है क्योंकि वर्ड खुद अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देखिए ये थी जिसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है इस प्रोडक्ट में। तो इस वीडियो में देखिए इतना ही। आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।